हेलो दोस्तों, दिस इज मंसल फ्रॉम एसएल अपडेट्स। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर के बच्चे जिन्होंने इंग्लिश सी लिया हुआ है या जिन्हें इंग्लिश सी दिया हुआ है, यानी कि वो बच्चे जिन्होंने 8वीं तक इंग्लिश पढ़ी थी और अब सीधे ग्रेजुएशन के अंदर उन्हें इंग्लिश थमा दी गई है, उन लोगों को इंग्लिश सी प्रोवाइड की गई होगी। और इंग्लिश सी के अंदर किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो बच्चे पहले एक तो डरे हुए हैं कि उन्हें इंग्लिश मिली हुई है क्योंकि इंग्लिश उन्होंने अभी तक पढ़ी नहीं है और एकदम से इंग्लिश उनके पास कई सालों बाद पहुँच गई है, तो उस इंग्लिश से किस तरह टैकल करना है उन्हें, किस तरह का पेपर आता है एसक्यूएल के अंदर इंग्लिश का, और किस तरह से उन्हें पेपर को अच्छी से तरह से अटेम्प्ट करके आना है, तो उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इंग्लिश के पेपर का स्ट्रक्चर कैसे रहने वाला है और किस तरह के कितने मार्क्स के आपके क्वेश्चन बनेंगे और कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपको पढ़ के जाने ही जाने हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश सी का जो पेपर होगा वो आपका पूरा 100 मार्क्स का होगा, क्योंकि बीए प्रोग्राम के अंदर सारे पेपर आपके मेन पेपर होते हैं और सारे पेपर आपके 100 मार्क्स के ही होते हैं। इसके अलावा आपको जो टाइम अलॉट होगा वो पूरे के पूरे 3 घंटे होगा, 3 घंटे के अंदर आपको पेपर करके आना है, तो टाइम बहुत ज़्यादा मिलता है आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला जो आपका क्वेश्चन आ सकता है वो अनसीन पैसेज के ऊपर आपका क्वेश्चन आएगा। जो अनसीन पैसेज होता है इसका मतलब ऐसा पैसेज जो आपने देखा नहीं हुआ, यानी कि कोई भी न्यूज़पेपर में से कटिंग निकाल ली, कोई मैगजीन में से कटिंग निकाल ली या कोई वेबसाइट में से कटिंग निकाल ली और वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं, वहीं पर लिखा हुआ आता है और उसके कुछ क्वेश्चन उससे रिलेटेड होते हैं, वो आपको आंसर उसके देने होते हैं, यानी कि पढ़ के आपको जवाब देने होते हैं। तो ये आपका पूरा 20 नंबर का आएगा, तो कि काफ़ी नंबर आप इसमें से फैच कर सकते हैं। इसके अलावा 20 नंबर का ही आपका सीन पैसेज आएगा, यानी कि एक ऐसा पैसेज जो आपकी बुक से होगा, ऑलरेडी आपने देखा हुआ होगा पहले उसे, और उसमें से आपसे क्वेश्चन निकाल के वो पूछेंगे और वो आपको जवाब देने हैं। आप ऊपर से पढ़ भी सकते हैं जो पैराग्राफ दिया हुआ है, तो ये भी 20 नंबर का होगा, यानी 40 मार्क्स तो आपके सिर्फ पैसेज पैसेज के हैं। अगर आप खाली ये भी कराते हैं तो आप बिल्कुल पास हैं अच्छी तरह से। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है वो है मैच द फॉलोइंग, वर्ड मीनिंग, वर्ब या वन वर्ड के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। 4 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ और ये 4 चीज़ें टोटल मिला के 20 नंबर में आएगी, यानी कि लगभग आप मान लीजिए 5-5 नंबर की इनकी वेटेज रहने वाली है, जिसमें मैच द फॉलोइंग भी आ जाएंगे आपके, वर्ड मीनिंग भी आ जाएंगे आपके, वर्ब्स भी पूछी जा सकती है और वन वर्ड क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। वन वर्ड क्वेश्चन का मतलब है आपको क्वेश्चन का जवाब सिर्फ एक वन वर्ड में देना है, सिर्फ एक शब्द के अंदर देना है। इसके अलावा आपसे फिलअप्स पूछे जाएंगे, फिलअप्स की जो वेटेज होगी वो आपकी 10 नंबर की होगी। फिलअप्स का मतलब रिक्त स्थान भरने हैं, आपको खाली ब्लैंक दिए हुए होंगे उन्हें आपको फिल करने हैं। तो फिलअप्स के अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, फिलअप्स के अंदर आपकी वर्ब्स पूछी जा सकती हैं, आपसे नाउन पूछे जा सकते हैं फिलअप्स के अंदर। इसके अलावा इज एम आर वाले सेंटेंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि इज कहाँ पे भरना है, एम कहाँ पे भरना है, आर कहाँ पे भरना है, ये सब चीज़ें बेसिक जो ग्रामर होती है उसके अंदर ये चीज़ें आती हैं, तो ये चीज़ें आपको भरने के लिए आ सकती हैं। इतनी बेसिक नॉलेज तो हमें खुद भी होनी चाहिए इंग्लिश की, कि किस तरह से हम जो इंग्लिश बोलते हैं यूज़ करते हैं उसके अंदर इज एम आर का इस्तेमाल बहुत ही आसानी से मिल जाता है आपको। इसके अलावा 5th चीज़ जो है वो आपकी एक्टिव पैसिव वॉइस आएगी। एक्टिव पैसिव वॉइस जो है वो आपके 10 नंबर के अंदर आएंगे। एक्टिव पैसिव आपको तैयार करके जाने, एक्टिव पैसिव आप लोग 6 से पढ़ रहे होंगे मेरे ख्याल, 6, 7, 8 तीन साल तो आपने पढ़े ही होंगे, तो एक्टिव पैसिव से आपके क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा पैराग्राफ राइटिंग आएगी आपकी, यानी कि आपको पैराग्राफ आपको लिखना है 20 लाइनों के अंदर कम से कम, यानी 20 लाइनों के अंदर आपको एक पैराग्राफ लिखना है जिसकी पूरी वेटेज होगी आपकी 10 नंबर की, जो कि बहुत ही आसान काम है। जो भी आपको टॉपिक दिया होगा उसके बारे में आपको पैराग्राफ लिखना है, आपको जैसी भी इंग्लिश आती है उसके अंदर आपको ट्राई करना है अच्छे से अच्छा पैराग्राफ लिखने के लिए। और जो आखिरी क्वेश्चन आपका पेपर के अंदर बनेगा वो रिपोर्ट राइटिंग के ऊपर बनेगा या फिर आपसे पूछा जाता है इनफॉर्मल लेटर। इन दोनों में से आपके पास चॉइस होगी कि आप रिपोर्ट करना चाहते हैं या फिर इनफॉर्मल लेटर आप लिखना चाहते हैं। रिपोर्ट का क्या मतलब है, कोई एक इंसिडेंस हुआ है, कोई एक घटना घटी है, उस घटना के बाद आप उस घटना को एक रिपोर्ट के अंदर लिखना चाहते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ, इतने बजे हुए, यानी जो पूरी रिपोर्ट होती है वो पास्ट टेंस के अंदर होती है, पास्ट के अंदर होती है कि पहले ये चीज़ घट चुकी है, ये चीज़ हो चुकी है। इनफॉर्मल लेटर में आप एक लेटर लिखते हैं अपने भाई को, अपने दोस्त को, ऐसे पर्सन को आप लेटर लिखते हैं जहाँ पे आपको फॉर्मेलिटी निभाने की ज़रूरत नहीं है, वो कोई ऑफिसर नहीं है जहाँ पर आप फॉर्मेलिटी निभाओगे, आप अपने क्लोज रिलेशन के अंदर अपने दोस्त को आप लेटर लिखते हो, उसे हम कहते हैं इनफॉर्मल लेटर। तो आप चाहें तो वहाँ रिपोर्ट लिख सकते हैं, चाहे आप इनफॉर्मल लेटर लिख सकते हैं, और इसकी जो वेटेज होगी वो आपकी पूरी 10 नंबर की रहने वाली है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह का पैटर्न है, बहुत ही सिंपल पेपर है, कोई ज़्यादा मुश्किल वाला पेपर नहीं, कि उन लोगों को पता है कि आप लोगों ने 8 तक पढ़ी है तो उसी लेवल के हिसाब से उन्होंने इस पेपर को सेट
किया है। तो आप में से जो भी बच्चे परेशान हो रहे हैं इंग्लिश को लेके, अब आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इस पेपर को, आप इस वीडियो को अपने जितने भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर कीजिए और उन्हें बताइए कि इंग्लिश का पेपर किस तरह से आता है SOL के अंदर और किस तरह से आपको अटैम्प्ट करना है। 3 घंटे का समय काफ़ी होता है। चीज़ों को बांट के अगर आप करेंगे, 1 घंटे के अंदर अगर आप पैसेज भी कर लेते हैं दोनों, तो उस हिसाब से आप चीज़ों को, टाइम को आसानी से मैनेज कर सकते हैं और क्वेश्चंस को आसानी से टैकल कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। फिर भी आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें लिख सकते हैं, मैं उसके रिप्लाई करने की आपको पूरी पूरी कोशिश करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर वॉचिंग इट। दिस वॉज सचिन बंसल साइनिंग ऑफ।